Hello students, how are you? Welcome to Maths Magic Tuition Classes. Today we are going to solve exercise 8.1 chapter 8 trigonometry. हम chapter कर रहे हैं class 10th का. इसका previous video में question 1 solve किया था last. तो आज हम solve कर रहे हैं question number 2. Now the question is find tan P minus cot R. आपको tan P में से cot R की value जो है वो minus करनी है. इसमें triangle is already given. In the figure, triangle PQR we have given. In that triangle, angle Q is right angle. यानी कि right angle Q जो है वो right angle है, 90 degree का angle है. और आपको इसमें एक दी हुई value, अगर इसको आप base भी बोल सकते हो, perpendicular भी बोल सकते हो. अभी हम ले लेते हैं, let PQ एक perpendicular है, that is 12 centimeter. QR base है, that is unknown. And PR is 13 centimeter. Then first वी हैव टू फाइंड फर्स्ट अननोन वैल्यू. मैंने प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो दो वैल्यूज हमको गिवन है उसके बेस पर हमको जो थर्ड अननोन वैल्यू है फर्स्ट वो फाइंड करने है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड नंबर वैल्यू फर्स्ट फाइंड करेंगे. तो अपन सॉल्व कर देते हैं. अपन लिख देते हैं सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल पी क्यू आर. ट्राइंगल पी क्यू आर में अपन देखते हैं देन पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 13 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट थर्ड क्यू आर इज वी हैव अननोन. तो अपन लिख देते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप सब जानते ही हो बच्चों. पाइथागोरस कौन है, इस थ्योरम क्या बोलता है, इसको हिंदी में हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं और बोधायन थ्योरम बोधायन प्रमेय के नाम से भी इसको जाना जाता है. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. यहाँ पर हम इसको परपेंडिकुलर ले रहे हैं, इसको बेस ले रहे हैं, या इसको आप परपेंडिकुलर लो बेस लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता जब तक आप एंगल की शुरुआत नहीं करते हैं. देन हाइपोटेनस इज फिक्स दैट इज द ऑपोजिट ऑफ राइट एंगल दैट इज पी आर विच इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज पी क्यू. ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा पी क्यू स्क्वायर एंड बेस इज क्यू आर. ये हो गया हमारा बेस क्यू आर स्क्वायर. नाउ पी आर स्क्वायर इज गिवन, वैल्यू ऑफ पी आर इज गिवन 13 स्क्वायर. पी क्यू की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर. तो अपन लिख देते हैं 12 और स्क्वायर और क्यू आर हमको फाइंड करना है तो हम क्यू आर पर लगा देते हैं स्क्वायर एज इट इज वैल्यू रख देते हैं. नाउ द स्क्वायर ऑफ 13 इज 13 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 169. कितना होता है 169. स्क्वायर ऑफ 12 इज यानी कि 12 इंटू 12 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर. फिर हम क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ हम ऐसे साइन लगा देते हैं क्यू आर स्क्वायर की. तो इस वैल्यू को हम कहाँ भेजेंगे, लेफ्ट हैंड साइड. देन और इसको हम इस जो क्यू आर स्क्वायर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको मैं एल एच एस में लिख रहा हूँ और आर एच एस में हम लिख देते हैं 169 माइनस 144. तो क्यू आर स्क्वायर की जो हमको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, मैं इतने साइड में लिख रहा हूँ बच्चों, तो क्यू आर स्क्वायर वैल्यू इज 169 माइनस 144. तो कितना हमको मिल जाएगा 25. कितना मिल जाएगा 25. नाउ क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 5. ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर. यानी क्यू आर की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई बच्चों, 5 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे मिल गई. तो हम लिख देते हैं क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड वन अननोन वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ टू गिवन वैल्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. इट इज कंपल्सरी द एंगल इज मस्ट बी राइट एंगल ट्राइंगल. अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं तो ये जरूरी है जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल यानी 90 डिग्री समकोण ही होना चाहिए. ओके तो अब हमने एक अननोन वैल्यू फाइंड कर ली. सिर्फ सेकेंड हमको जो क्वेश्चन फाइंड करना है वो फाइंड करना है टेन पी माइनस कॉट आर. टेन पी में से कॉट आर हमको माइनस करना है तो हम वन बाय वन टेन पी की और कॉट आर दोनों की वैल्यू को फाइंड कर देते हैं. तो टेन पी की जब हम वैल्यू देखेंगे टेन पी, तो अगर अपन टेन पी की वैल्यू देखते हैं तो उस हिसाब से पी क्या बन जाता है हमारा, थीटा बन जाता है, एंगल बन जाता है. और मैंने आपको बताया कि जो हम थीटा लेते हैं जिस पॉइंट को हम जिस वर्टेक्स को हम एंगल लेते हैं द ऑपोजिट ऑफ द वर्टेक्स पॉइंट इज परपेंडिकुलर. उसकी जस्ट ऑपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. यानी इस कंडीशन में क्यू आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एंड पी क्यू बिकम बेस. और जब हम टेन थीटा की बात करें तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पी बी पी अपॉन एच एच बी. आपको याद होगा ये
P here, P for perpendicular, B for base and H denoted as hypotenuse. ओके ये हाइपोटेनस की बात हो रही है यहाँ पर, और इसको हम याद करने के लिए, लर्न रखने के लिए हमारे हिसाब से हम नाम देते हैं पंडित भोले प्रसाद हर हर बोल. ओके ये हमने इस तरीके से इसको नाम दे दिया. अब हम टेन पी की जब बात करते हैं तो टेन पी की वैल्यू होती है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, थर्ड प्लेस पर आता है. तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस. फिर अगर अपन टेन पी की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो टेन और एंगल ले लिया हमने पी, यहाँ पर पी जो है वो इस एंगल को डिनोट कर रहा है. तो परपेंडिकुलर इज नॉट पी क्यू हियर, परपेंडिकुलर इज क्यू आर. इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर. मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि जो हम एंगल लेते हैं उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है. हाइपोटेनस इज फिक्स, कर्ण सेम रहता है एंड बेस इज द लास्ट रिमेनिंग साइड नाउ विच इज PQ. जो PQ जो है वो बेस रह गया, रिमेनिंग साइड तो ये हो गया PQ. अब QR अपॉन PQ की हम वैल्यू बताए थे, QR की वैल्यू है 5, हम यहाँ पुट कर देते हैं अपॉन PQ इज 12 और PQ की वैल्यू हो गई 12, यानी 5 अपॉन 12 ये वैल्यू आ गई 10 PQ. फिर हमको बोला है नेक्स्ट cot R, हम cot R की वैल्यू फाइंड करते हैं cot R. तो जब आप cot R फाइंड करेंगे तो एंगल जो है वो P से हट जाएगा यहाँ से और R पे एंगल बन जाएगा यहाँ पे. जब R पे यहाँ पर एंगल बन जाएगा, मैं ऐसे दो निशान लगा देता हूँ फर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन में, तो हम R की बात करेंगे. नाउ द परपेंडिकुलर इज PQ. अब जो है परपेंडिकुलर बन जाएगा PQ और बेस बन जाएगा QR. परपेंडिकुलर बेस दोनों चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल यूजिंग. ओके नाउ cot R, जब हम cot R की बात करें तो इसका जस्ट क्या होगा, ऑपोजिट. क्योंकि tan की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन cot थीटा, या cot थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन थीटा, 1 अपॉन tan थीटा. देख लो यहाँ से भी आप देखोगे तो साइन थीटा कोस थीटा देन टेन थीटा और उसके बाद कॉट थीटा बी अपॉन पी, ये कैसे मिलता है, तो इसका वैल्यू हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो जो हमने इस चैप्टर को शुरू किया है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने जो सबसे फर्स्ट वीडियो हमने जो बनाया है वो पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बनाया है. और उस वीडियो में हमने जितने भी टाइप्स ऑफ इसमें फॉर्मूलाज, इसमें आइडेंटिटीज, इसमें जो यूनिट यूज हो रही है उन सब का हमने एक वीडियो बनाया है, मस्ट बी वॉच द वीडियो. उस वीडियो को आप जरूर देखें जिससे कि ये कैसे आता है, ये कहां से आया है, ये साइन थीटा कोस थीटा क्या है, उनकी वैल्यू रेशियो में कैसे आती है, वो सब उस वीडियो में हमने बताया है. आप जब भी ये चैप्टर शुरू करें मस्ट बी वॉच दैट वीडियो. नाउ cot R इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो जब हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर बात करेंगे तो हम फिर से बताया था यहां पर cot R एंड द बेस, बेस इज कितना होगा, बेस QR, कितना होगा बेस QR. तो अपन लिख देंगे बेस इज क्यू आर एंड परपेंडिकुलर इज पी क्यू, सेम यही वैल्यू आएगी, यही वैल्यू. आप बोलोगे सर ये वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एंगल P है, P के सामने ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, और जब हम एंगल Q की बात करते हैं तब ये हाइपोटेनस सॉरी ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. और tan थीटा और cot थीटा क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, क्या है रेसिप्रोकल. इसलिए जब जो tan थीटा में वैल्यू आएगी उसके ऑपोजिट एंगल के लिए cot थीटा की वैल्यू भी वही की वही आएगी, इसलिए सेम एंगल आर वैल्यू यहाँ पर आ रही है. नाउ cot R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस QR इज 5 एंड परपेंडिकुलर PQ इज 12. और क्वेश्चन आपको बोलेगा, अब हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, क्वेश्चन हमको बोला था tan P माइनस cot R. तो tan P में से हम cot R माइनस करेंगे तो tan P हमारा हो गया 5 अपॉन 12 माइनस cot R भी कितना हो गया 5 अपॉन 12 में से 5 अपॉन 12 जब माइनस करोगे तो यहाँ जाएगा 0, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 0. तो हम यहाँ लिख देते हैं tan P, जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है tan P माइनस cot R इज इक्वल टू 0, ये हो गई इसकी वैल्यू, ये इसका आंसर आ गया हमारा tan P माइनस cot R इज इक्वल टू 0. ओके तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर अब तक आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, आप इस चैनल पे नए हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑफ द गिवन चैप्टर. एंड सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड वाइज और वैदिक मैथमेटिक्स का भी हमने आपने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वो भी आप जरूर देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैदिक मैथमेटिक्स. तो चाहे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा,
और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ मी.